जय श्री सची सुता नवदीप बिहारी, जय हरि श्री हरि, जय जय गौर हरि, जय हरि श्री हरि, जय जय गौर हरि। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हूँ जिनकी अमृतमयी कृपा एक महान नदी की तरह अखिल ब्रह्मांड को आप्लावित करती हुई प्रवाहित होती है। जिस प्रकार नदी के नीचे की ओर बहती है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु पतितों के लिए विशेष रूप से सुलभ हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। किशोर अवस्था को प्राप्त श्री चैतन्य महाप्रभु दीर्घजीवी हो, लक्ष्मी देवी तथा सरस्वती दोनों उनकी पूजा करती थी। सरस्वती ने विश्व विजय पंडित पर उनकी विजय के लिए उनकी पूजा की तो लक्ष्मी देवी ने घर में पूजा की। चूंकि वे दोनों देवियों के पति या स्वामी हैं, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु 11 वर्ष की आयु में विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे थे। यहीं से उनकी किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। जब महाप्रभु शिक्षक बने तो अनेकानेक विद्यार्थी उनके पास आने लगे और हर विद्यार्थी उनकी व्याख्या की शैली सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता। महाप्रभु ने शास्त्रार्थ में सभी प्रकार के पंडित को हराया, तथापि कोई भी पंडित महाप्रभु की विनयशीलता के कारण दुखी नहीं हुआ। जब महाप्रभु शिक्षक थे तब वे गंगा के जल में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पूर्व बंगाल गए और वे जहां जहां गए उन्होंने वहां वहां संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया। चैतन्य महाप्रभु की बौद्धिक शक्ति के प्रभाव से चकित होकर सैकड़ों विद्यार्थी उनके निर्देशन में अध्ययन करने के लिए आने लगे। पूर्वी बंगाल में तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण था जो निश्चय नहीं कर पा रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस तरह प्राप्त किया जाए। यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेकानेक लोगों की टीकाएं एवं उपदेश सुनता है तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता। इस प्रकार से मोहग्रस्त तपन मिश्र को स्वप्न में एक ब्राह्मण ने निर्देश दिया कि तुम निमाई पंडित के पास जाओ। उस ब्राह्मण ने कहा, चूंकि वे साक्षात ईश्वर हैं अतएव वे निसंदेह तुम्हारा सही दिशा निर्देशन कर सकते हैं। स्वप्न देखने के बाद तपन मिश्र महाप्रभु के चरणों की शरण में आए और उन्होंने महाप्रभु से स्वप्न का विस्तार से वर्णन किया। महाप्रभु ने संतुष्ट होकर उसे जीवन लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि सफलता की कुंजी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। तपन मिश्र की इच्छा थी कि वह महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहे, किंतु महाप्रभु ने उसे वाराणसी जाने के लिए कहा। महाप्रभु ने तपन मिश्र को आश्वस्त किया कि वे पुनः वाराणसी में मिलेंगे। यह आज्ञा पाकर तपन मिश्र वहां चले गए। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य लीलाओं को नहीं समझ सकता, क्योंकि तपन मिश्र महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहना चाहते थे, किंतु महाप्रभु ने उन्हें वाराणसी जाने का आदेश दिया। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्वी बंगाल के लोगों को हरिनाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दीक्षित करके तथा उन्हें शिक्षा देकर विद्वान बनाकर उन पर बड़ा उपकार किया। महाप्रभु पूर्वी बंगाल में नाना प्रकार के प्रचार कार्य में लगे हुए थे, अतएव उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अपने पति के विरह में घर पर अत्यधिक दुखी थी। विरह रूपी सर्प ने लक्ष्मी देवी को डस लिया और इसके विष के कारण उनका देहांत हो गया।
इस तरह वे परलोक सिधार गईं, वे भगवत धाम वापस चली गईं। लक्ष्मी देवी के तिरोदान को महाप्रभु जान गए थे क्योंकि वे स्वयं परमात्मा है। इस तरह वे अपनी माता शची देवी को सांत्वना देने घर लौट आए और अपनी पुत्र वधु के देहवासन के कारण अत्यंत दुखी थी। जब महाप्रभु प्रचुर धन तथा अनेक अनुयायियों के साथ घर लौटे तो उन्होंने शची देवी को शोक से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। पूर्वी बंगाल से लौट आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी शिक्षा के बल पर उन्होंने हर एक पर विजय प्राप्त की और इस तरह वे अधिक गर्व का अनुभव करने लगे। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी विष्णु प्रिया से विवाह किया और उसके बाद उन्होंने केशव कश्मीरी नामक दिग्विजयी विद्वान को पराजित किया। वृंदावन दास ठाकुर पहले ही इसका विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, जो स्पष्ट है उसके गुण दोषों की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर को नमस्कार करके मैं महाप्रभु द्वारा की गई व्याख्या के उस अंश का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर दिग्विजयी ने स्वयं को धिक्कारा। एक बार पूर्णमासी की रात को महाप्रभु अपने अनेक शिष्यों के साथ गंगा जी के किनारे बैठकर साहित्यिक चर्चा कर रहे थे। संयोगवश पंडित केशव कश्मीरी भी वहां आया। उसने माता गंगा की स्तुति की और फिर वह चैतन्य महाप्रभु से मिला। महाप्रभु ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया, किंतु केशव कश्मीरी अत्यंत अभिमानी था, अतएव उसने महाप्रभु के साथ उपेक्षा पूर्वक बातें की। उसने कहा, मैं समझता हूँ कि आप व्याकरण के शिक्षक हैं और आपका नाम निमाई पंडित है। लोग आपके बाल व्याकरण पढ़ाने की बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप कलाप व्याकरण पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि आपके विद्यार्थी इस व्याकरण के शब्द जाल में अत्यंत पटु हैं। महाप्रभु ने कहा, हाँ, मैं व्याकरण का शिक्षक माना जाता हूँ, किंतु तथ्य यह है कि ना तो मैं अपने विद्यार्थियों को अपने व्याकरण ज्ञान से प्रभावित कर पाता हूँ, ना ही वे मेरी बात ठीक से समझ पाते हैं। हे महाशय, कहाँ आप सभी शास्त्रों के प्रकांड पंडित और कविता रचने में अत्यंत अनुभवी और कहाँ मैं एक बालक नया विद्यार्थी मात्र। अतएव मेरी इच्छा आपके मुख से आपकी कविता रचना का कौशल सुनने की है। यदि आप कृपा करके माता गंगा के यश का वर्णन करें तो हम सब सुने। जब ब्राह्मण केशव कश्मीरी ने यह सुना तो वह और भी गर्वित हुआ और घंटे भर के ही भीतर उसने गंगा माता का वर्णन करते हुए 100 श्लोक रच डाले। महाप्रभु ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाशय, सारे संसार में आपके समान दूसरा कवि नहीं है। आपकी कविता इतनी कठिन है कि उसे आप तथा विद्या की देवी माता सरस्वती के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। किंतु यदि आप एक श्लोक का अर्थ व्याख्या करके कहें तो हम सब स्वयं आपके मुख से सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सकते हैं। दिग्विजयी केशव कश्मीरी ने पूछा कि आप किस श्लोक की व्याख्या चाहते हैं। तब महाप्रभु ने केशव कश्मीरी द्वारा रचे 100 श्लोकों में से एक श्लोक सुनाया। महत्वं गंगाया सततम् इदम् आभाति नितराम यत् एषा श्री विष्णो चरणा कमल उत्पत्ति सुभागा द्वित्य श्री लक्ष्मी इव सुर नरेह अर्चय चरणा भवानी भर्तुह या शिरसी विभवती अद्भुत गुणा। माता गंगा की महानता सदैव चमकती रहने वाली है। वे सर्वाधिक भाग्यशालिनी है क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती है। वे द्वितीय लक्ष्मी है, इसलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं। वे सारे अद्भुत गुणों से समन्वित होकर शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होती हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का अर्थ बतलाने के लिए कहा
तो दिग्विजयी ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, मैंने तो सारे श्लोक आंधी की गति से सुनाए हैं, तुमने उन श्लोकों में से इस एक श्लोक को किस तरह ठीक से कंठस्थ कर लिया? महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिस तरह भगवान की कृपा से कोई कोई महाकवि बनता है, उसी तरह उन्हीं की कृपा से कोई कोई महान श्रुतिधर भी बन सकता है, जो किसी चीज को तुरंत स्मरण रख ले। वह ब्राह्मण महाप्रभु के कथन से संतुष्ट हुआ और उसने उद्धृत श्लोक का अर्थ बतलाया। तब महाप्रभु ने कहा, कृपया इस श्लोक के कुछ विशेष गुणों और दोषों की भी व्याख्या कर दें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इस श्लोक में नाम मात्र भी दोष नहीं है, प्रत्युत यह उपमा तथा अनुप्रास की उत्कृष्ट विशेषताओं से युक्त है। महाप्रभु ने कहा, हे महाशय, यदि आप रुष्ट ना हो तो मैं कुछ कहूं, क्या आप इस श्लोक के दोषों की व्याख्या कर सकेंगे? इससे संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है कि आपकी कविता प्रतिभा से युक्त है और निश्चय ही इसने परमेश्वर को संतुष्ट कर लिया है। फिर भी यदि हम इसकी समीक्षात्मक रूप से विवेचना करें तो इसमें गुण और दोष दोनों मिल जाएंगे। महाप्रभु ने अंत में कहा, अतएव अब हम इस श्लोक की भली भांति विवेचना कर लें। तब उस कवि ने उत्तर दिया, हाँ, तुमने जो श्लोक पढ़ा है वह पूरी तरह सही है। आप तो व्याकरण के सामान्य विद्यार्थी हो, काव्य शास्त्र के अलंकारों के बारे में आप क्या जानो? आप इस कविता की समालोचना नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसका कोई ज्ञान नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विनित भाव से कहा, चूंकि मैं आपके स्तर का नहीं हूं, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप अपनी कविता के गुण दोषों की व्याख्या करके मुझे सिखाएं। निश्चित ही मैंने अलंकार शास्त्र नहीं पढ़ा, किंतु मैंने बड़े लोगों से इस संबंध में सुना है, अतएव मैं इस श्लोक की समीक्षा कर सकता हूँ और इसमें अनेक दोष और अनेक विशेषताएं ढूंढ सकता हूँ। कवि ने कहा, जरा देखें तो आपने कौन कौन से गुण और दोष ढूंढे हैं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कह रहा हूँ, कृपया आप रुष्ट हुए बिना सुने। हे महोदय, इस श्लोक में 5 दोष हैं और 5 अलंकार हैं। मैं क्रम से उन्हें कहूंगा, कृपया सुने और फिर अपना निर्णय दें। इस श्लोक में अविमृष्ट विध्यांश दोष 2 बार आया है और विरुद्धमति भग्न क्रम तथा पुनराद दोष 1-1 बार आए हैं। इस श्लोक का मुख्य अज्ञात विषय गंगा का महत्व है और ज्ञात विषय इदम शब्द से सूचित होता है, जो अज्ञात के बाद रखा हुआ है। क्योंकि आपने ज्ञात विषय को अंत में रखा है और जो अज्ञात है उसे प्रारंभ में रखा है, अतएव यह रचना दोषपूर्ण है और शब्दों का अर्थ संदेहजनक हो गया है। सर्वप्रथम ज्ञात का उल्लेख किए बिना अज्ञात को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसकी ठोस आधार भूमि नहीं होती उसे कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सकता। द्वितीय, श्री लक्ष्मी शब्द में द्वितीय लक्ष्मी होने का गुण अज्ञात है। इस समास के बनाने से अर्थ गौण हो गया है और अभिष्ट मूल अर्थ खो गया है, क्योंकि द्वितीय शब्द विधेय है अर्थात अज्ञात है, अतएव इस समास से लक्ष्मी की समता का जो अभिष्ट अर्थ था वह नष्ट हो गया है। न केवल अविमृष्ट विध्यांश का दोष ही है, अपितु एक अन्य दोष भी है जिसे मैं आपको इंगित करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ पर एक अन्य महान दोष है, आपने अपने पूर्ण संतोष के लिए भवानी भ्रत शब्द रखा है, किंतु इसमें विरुद्धात्मक कृत नामक दोष है। भवानी का शब्दार्थ है शिवजी की पत्नी, किंतु जब हम उनके पति का उल्लेख करते हैं तो इससे यह निष्कर्ष भी निकल सकता है कि उनका कोई दूसरा पति भी है। यह सुनना विरोधाभासी लगता है कि शिवजी की पत्नी का एक दूसरा पति है। साहित्य में ऐसे शब्दों के प्रयोग से विरुद्धमतीकृत नामक दोष उत्पन्न होता है। यदि कोई कहे कि यह दान ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दे दो,
तो इन विपराधी शब्दों को सुनते ही हम तुरंत समझते हैं कि ब्राह्मण पत्नी का कोई दूसरा पति भी है। विभवती शब्द द्वारा कहा गया कथन पूर्ण है, किंतु इसके विशेषण के रूप में अद्भुत गुणा रखने से पुनरक्ति नामक दोष उत्पन्न होता है। इस श्लोक की तीन पंक्तियों में अद्वितीय अनुप्रास पाया जाता है, किंतु एक पंक्ति में अनुप्रास बिल्कुल नहीं है। यह भग्न क्रम नामक दोष है। यद्यपि श्लोक में 5 अलंकार हैं, किंतु इन 5 दोषों के कारण पूरा श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गया है। यदि किसी श्लोक में 10 अलंकार हो, किंतु एक भी दोष रहने पर पूरा श्लोक व्यर्थ हो जाता है। किसी का सुंदर शरीर रत्नों से क्यों न अलंकृत हो, किंतु यदि श्वेत कुष्ठ का एक भी दाग दिखे तो सारा शरीर घृणित हो जाता है। जिस प्रकार गहनों से सुसज्जित शरीर श्वेत कुष्ठ के एक दाग से भी अशुभ हो जाता है, उसी तरह पूरी कविता अनुप्रास उपमा तथा रूपक से युक्त होने पर भी केवल एक दोष से व्यर्थ हो जाती है। अब 5 साहित्यिक अलंकारों का विवरण सुने। 2 शब्द अलंकार हैं और 3 अर्थालंकार हैं। श्लोक की 3 पंक्तियों में अनुप्रास नामक शब्द अलंकार है। श्री तथा लक्ष्मी शब्दों के समास से पुनरुक्त वादाभास शब्द अलंकार है। श्लोक के प्रथम चरण में त 5 बार आया है और 3रे चरण में र 5 बार आया है। 4थे चरण में भ अक्षर 4 बार आया है और इस तरह श्लोक में अनुप्रास नामक मधुर शब्द अलंकार है। यद्यपि श्री तथा लक्ष्मी शब्दों का अर्थ एक ही है, अतएव पुनरक्ति प्रतीत होती है, किंतु पुनरक्ति है नहीं। लक्ष्मी को श्री युक्त कहने से पुनरक्ति के साथ अर्थ में अंतर आता है। यह द्वितीय शब्द अलंकार पुनरक्त वादाभास है। लक्ष्मीरेव अर्थात लक्ष्मी के समान में उपमा नामक अर्थ अलंकार है। एक अन्य अर्थ अलंकार विरोधाभास भी है। यह सबको ज्ञात है कि कमल के फूल गंगा जल में खिलते हैं, किंतु यह कहना कि गंगा का जन्म कमल फूल से होता है, यह अत्यंत विरोधाभासी प्रतीत होता है। गंगा माता की उत्पत्ति भगवान के चरण कमलों से होती है। यद्यपि यह कथन कि कमल के फूल से जल आता है विरोधमूलक है, किंतु भगवान विष्णु के प्रसंग में यह एक महान चमत्कार है। गंगा की उत्पत्ति में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण तनिक भी विरोध नहीं है, यद्यपि यह विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है। हर कोई जानता है कि कमल के फूल जल में खिलते हैं, किंतु कमल में जल कभी नहीं उगता। फिर भी ये सारे विरोधाभास कृष्ण में अद्भुत रूप से संभव है। गंगा जैसी महान नदी भगवान के चरण कमलों से निकली है। गंगा नदी की असली महिमा यह है कि वह भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है। ऐसी परिकल्पना अनुमान नामक अलंकार है। मैंने 5 स्थूल दोषों तथा 5 साहित्यिक अलंकारों पर ही विचार किया है, किंतु यदि हम सूक्ष्म विचार करें तो पाएंगे कि दोषों की गणना कर पाना संभव नहीं है। आपको कवि कल्पना तथा प्रतिभा अपने आराध्य देव की कृपा से प्राप्त हुई है, किंतु यदि काव्य की ठीक से समीक्षा नहीं की जाती है तो वह निश्चित ही आलोचित होता है। यदि विचार पूर्वक कवित्व का प्रयोग किया जाए तो वह अत्यंत निर्मल होता है और रूपकों तथा उपमाओं से वह चमकने लगता है। चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या सुनकर दिग्विजयी कवि हतप्रभ हो गया। उसकी सारी चतुराई जड़ बन गई और उसके मुख से शब्द ही निकल ना पाए। वह कुछ कहना चाहता था, किंतु उसके मुंह में कोई उत्तर नहीं निकलता था। तब वह अपने मन में इस उलझन पर विचार करने लगा, इस छोटे से बालक ने मेरी बुद्धि को अवरुद्ध कर दिया है, अतएव मेरी समझ में आता है कि माता सरस्वती मुझसे रूठ गई हैं। इस लड़के ने जो अद्भुत व्याख्या की है वह किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकती, अतएव माता सरस्वती ही उसके मुख से स्वयं बोली होंगी। यह सोचकर पंडित ने कहा, हे निमाई पंडित,
मेरी बात सुनो, आपकी व्याख्या सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ। मैं चकित हूँ, आप साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं और आपको शास्त्र पढ़ने का दीर्घकालीन अनुभव भी नहीं है, तो फिर आप ये सारी आलोचनात्मक बातों की व्याख्या कैसे कर सके? यह सुनकर तथा पंडित के मन की बात जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसी में उत्तर दिया, हे महोदय, मैं यह नहीं जानता कि अच्छी रचना क्या है और बुरी क्या है, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा है उसे माता सरस्वती द्वारा कहा गया समझा जाना चाहिए। जब पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से यह निर्णय सुना तो वह दुखी हुआ और आश्चर्य करने लगा कि माता सरस्वती ने उसे छोटे बालक के माध्यम से क्यों हराना चाहा। उस दिग्विजयी ने सोचा, मैं सरस्वती देवी की स्तुति करूंगा, उनका ध्यान करूंगा तथा उनसे यह पूछूंगा कि आपने इस बालक के माध्यम से मेरा ऐसा घोर अपमान क्यों करवाया। वास्तव में सरस्वती ने ही उस दिग्विजयी को अशुद्ध ढंग से अपना श्लोक रचने के लिए प्रेरित किया था। यही नहीं, जब श्लोक की व्याख्या हुई तो उन्होंने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, जिससे महाप्रभु की बुद्धि जीत गई। जब वह दिग्विजयी कवि इस तरह परास्त हो गया तो वहां पर बैठे हुए महाप्रभु के सारे शिष्य जोर जोर से हंसने लगे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कवि को इस तरह से संबोधित किया, आप बहुत बड़े पंडित तथा सभी महाकवियों में शिरोमणि हैं, अन्यथा इतना अच्छा काव्य आपके मुख से कैसे निकलता। आपका काव्य चातुर्य निरंतर प्रवाहित होने वाले गंगा जल की तरह है। मुझे संसार में ऐसा कोई नहीं दिखता जो आपकी बराबरी कर सके। भवभूति, जयदेव तथा कालिदास जैसे महाकवियों के काव्य में भी अनेक दोष हैं। ऐसे दोषों को नगण्य मानना चाहिए, केवल इतना ही देखना चाहिए कि ऐसे कवियों ने किस तरह अपनी कवित्व शक्ति का प्रदर्शन किया है। मैं आपका शिष्य भी होने योग्य नहीं हूँ, अतएव मैंने जो भी बाल सुलभ दृष्टा की है उसे बुरा नहीं माने। कृपया घर जाएं, कल हम फिर मिलेंगे ताकि मैं आपके मुख से शास्त्र संबंधी चर्चाएं सुन सकूं। इस तरह कवि और चैतन्य महाप्रभु दोनों अपने अपने घर चले गए और कवि ने रात में माता सरस्वती की आराधना की। सरस्वती देवी ने स्वप्न में उसे महाप्रभु के पद की जानकारी दी और दिग्विजयी कवि यह समझ गया कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दूसरे दिन वह कवि भगवान चैतन्य के पास आया और उनके चरण कमलों में शरणागत हो गया। महाप्रभु ने उस पर कृपा की और उसे और उसके भौतिक आसक्ति के सारे बंधन काट दिए। वह दिग्विजयी कवि निश्चित रूप से परम भाग्यशाली था। उसका जीवन, उसकी विशद विद्या और पांडित्यपूर्ण अध्ययन कौशल के कारण सफल हुआ और इस तरह उसे चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हुई। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इन सारी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो उनकी विशिष्ट घटनाओं को ही प्रस्तुत किया है जिनका वर्णन उन्होंने नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत कण हर किसी सुनने वाले की इंद्रियों को तृप्त करने वाले हैं। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में वंदना करता हुआ तथा उनकी कृपा की कामना करता हुआ मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा हूँ।